उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि प्रायश्चित है, यात्रा निकालते तो ज़्यादा समर्थन मिलता है। कांग्रेस ने लंबे समय से देश पर शासन किया और देश के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस पश्चाताप, यात्रा निकालती तो जनता का ज़्यादा समर्थन मिलता। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा है कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने। प्रदेश कार्यालय में संगठन की अहम बैठक है, दो दिवसीय बैठक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दयाशंकर जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, आज की बैठक किस तरीके की बैठक है, कौन कौन? आज महत्वपूर्ण बैठक है, माननीय बीएल संतोष जी के नेतृत्व में बैठक हो रही है और प्रदेश पदाधिकारी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष प्रभारियों की बैठक अलग है, मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक है और उसके बाद समन्वय समिति की बैठक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आगामी नगर निगम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है या हमारे जो संगठन की संरचना है बूथ स्तर तक उसकी समीक्षा की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सुप्रीम कोर्ट का एक नोटबंदी को लेकर जो आज एक फैसला है उसको, नोटबंदी के ऊपर जो फैसला हुआ है उसके लिए न्यायालय का मैं फैसले का स्वागत करता हूं और मोदी जी ने जो देश हित में फैसला लिया उसको जनता ने पहले ही स्वीकार किया था और आज जो है न्यायालय ने उसको स्वीकार करके हम सबके ये जो एक तरह से हमारे मोदी जी के फैसले को आज जो है उस पर मुहर लगाई है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था कि आज देश जो है जो प्रगति पर आगे बढ़ रहा है उसमें इस फैसले का बहुत बड़ा योगदान है। 3 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तमाम तरीके किस तरीके की चर्चाएं हैं कि काम विपक्ष उसमें शामिल? देखिए, इस फैसले का कोई इस यात्रा की कोई औचित्य नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी गलत समय में गलत फैसला किए हैं और इस समय देश बहुत ही मजबूत है। आज पूरी दुनिया में भारत की एक साख बड़ी है। जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं वहाँ भी भारत का तिरंगा यदि पहुँचता है तो वहाँ युद्ध विराम हो जाता है। इस तरह की एक सामरिक शक्ति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है तो मैं ये कहता हूँ कि इस समय ये उनकी यात्रा निष्प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है और यदि राहुल गांधी जी प्रायश्चित यात्रा निकालते कि कांग्रेस ने लंबे समय से जो देश में शासन किया और देश के लिए कुछ नहीं किया उसके लिए वो प्रायश्चित के लिए निकले हैं तो जनता ज़्यादा समर्थन करती है। तो हमारे साथ बीजेपी के मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आज जिस तरीके के संगठन बैठक है उसमें तमाम तरीके के जो पदाधिकारी हैं शामिल होने वाले हैं, आने वाले निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उसको लेकर रणनीति तय की जाएगी कि बूथ स्तर पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को काम करना है। साथ ही आपको जो 2-3 उपचुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर हार गई और रामपुर सीटों पर जिस तरीके से विजय हो, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम तरीके की चर्चाएं आज संगठन बैठक में होने वाली है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।